बटर है न्यूट्रलाइट का, ये देखते हैं कैसा है। यहाँ से ना इसको ऐसे ओपन करना है, पहले तो लॉक तो खोलो, कितना मुश्किल है। ऐसे तो हो नहीं है। यहाँ पर दिख रहा कितना अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मटर की ऐसा लगता है खा लो। ये तो निकलेगा नहीं जल्दी, तो फ्रिजर में रखा था मैंने, फ्रीजर में रखा था और थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दिया पहले से। कितना अच्छा। और क्या कहते हैं ये बनाते कैसे, बनाते कैसे, दूसरे चम्मच से ट्राई करते, ये ऐसे बनाते कैसे, पराठे के ऊपर रख लो जैसा भी। अब ये वाला ना और ज्यादा है, थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ थोड़ा सा कैसा है, इतना सा टेस्ट करके देखती हूँ, इतना सा। इतना अच्छा है कि चाट चाट के खाओगे, ज्यादा ले रहा था मैंने, कम लिया, सॉल्टेड है, एकदम क्रीमी है, थोड़ा ग्रीसी भी है, टेस्टी है। आज मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा इसको निकाल के मेल्ट करूंगी। तो मैं इसको निकाल रही हूं, ये तरीका से भाई, ये तो ये चम्मच मुझे पक जाता है तो निकलता नहीं है। अभी मुझे मेल्ट ही करना है, ठीक है। देखा कितना सुंदर है, सैंडविच के लिए थोड़ी सैंडविच बनानी है मुझे, मैं क्रस्टलेस ब्रेड लेकर आई हूँ सैंडविच बनाने वाली हूँ। अब इसको मैं मेल्ट करूंगी, मेल्ट करने के बाद देखिए के लिए मैंने इसको गर्म किया था, अभी हुआ है 5, 4, 3, 2, 1। देखो 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 कितने अच्छे से मेल्ट हो गया, अब इसको अप्लाई करना कितना इजी हो जाएगा। मैं ग्रिल सैंडविच बनाने वाली हूँ, तो ग्रिल मेकर बनाऊंगी ना, तो ये ब्रेड के ऊपर डालने के लिए और अप्लाई करने के लिए इतना ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
15 सेकेंड्स भी इतनी क्वालिटी किया तो काफ़ी है। तो ये इसके ऊपर डालने के लिए अब फटाफट मैं सारे काम करती हूँ। अब इसको मैं फिर से फ्रीजर में स्टोर करूँगी, तभी ये हमेशा अच्छा रहेगा। बहुत दिन तक इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिएगा, वैसे ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है मुझे देखना ही नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ बहुत टेस्टी टेस्टी बनती है।